संसार क्रांति की टीम इसमें जुलाना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनकी जन क्रांति 5 चरण पूरे हो चुके हैं और जो उनकी जनसभाएं जनसंपर्क अभियान चल रहा है जींद की धरातल पर वो पहुंचे हैं जींद धरा पर, तो जैसे यहाँ पर उनके कार्यक्रम रहे थे तो उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं जो जन क्रांति यात्रा है हुड्डा साहब आपकी, तो उसका किस तरह का नतीजा आपको लगता है, क्या रिजल्ट मिल रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? देखो ये छठा चरण जो है पेवा से 9 तारीख को शुरू हो रहा है और जो पहले 5 चरण हुए हैं हर चरण एक से एक बढ़ के हुआ है और सभी वर्गों का पुरजोर समर्थन मिला है और वो जिस प्रकार से समर्थन जोश मिल रहा है लोगों से तो उससे साफ जाहिर है कि सब वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुके हैं और यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य था कि यहाँ इस सरकार की विफलताएं घर घर तक पहुँचाना है और जो हमारी सरकार की 10 साल की उपलब्धियाँ नहीं वो घर घर तक पहुँचाना। तो हुड्डा साहब जैसे जो सत्ता पक्ष है वो विकास के दम भर रहा है, भाई हमने विकास की रफ्तार को तेज़ किया है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? अब आपकी मैं देखता हूँ जी जी उनकी जनसभाएं होती हैं कुर्सियां खाली होती हैं तो आप अदकलाव पद पाओ की एक योजना शुरू की गई थी और जो एशिया में एशियन गेम में भी गोल्ड मेडल आ रहे हैं खिलाड़ियों के हरियाणा की तरफ से उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर विचार किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है खिलाड़ियों को अभी पूरा सम्मान इन्होंने नहीं किया, जब ये हमारे पद लेके आए हैं खिलाड़ी कोई भी उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं गया, कोई सरकारी कर्मचारी या और जिस प्रकार से सम्मान देना चाहिए था जिन्होंने हमारे दुनिया में देश का नाम ऊंचा किया है वो नहीं किया। हुड्डा साहब चुनाव नज़दीक है तो कितनी सीटें जीतने का दावा आप लोग कर रहे हैं? स्वीप है, क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप यानी कांग्रेस फुल मेजोरिटी से आएगी 2/3 से ज़्यादा। चलिए तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ तौर पर कहना है उनका जो काफिला है उनके साथ चल रहा है और जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है, इस दौरान उनकी जो जींद की यदि हम बात करें तो यहाँ जींद में सुरेश गोयत की बात करें या फिर हरिचंद मीणा उनके यहाँ पर शोक सभा में भी वो शामिल रहे थे और यहाँ जो अनिल दलाल हैं उनकी जो दादी का जो निधन हो गया था उनको ये श्रद्धांजलि देने भी यहाँ पर पहुँचे थे और क्लीन स्वीप के बारे में इन्होंने कहा है जो भाजपा है इसको क्लीन स्वीप कर दिया जाएगा और दोबारा से कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, ये दावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किया जा रहा है। मेरी दादी जी राजकौर जी का 9/8/2018 को निधन हुआ था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो जन क्रांति रथ यात्रा है उनकी व्यस्तता के कारण उनकी यहाँ पे नहीं आ पाए थे और आज उन्होंने प्रोग्राम बनाया है हमारे घर पे आने का, मेरी दादी की जो 13वीं होने के बाद वो आने लग रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीजी कार्यक्रमों के चलते हुए वो उस दौरान हमारे यहाँ पे घर पे नहीं सांत्वना देने नहीं पहुँच पाए थे और हुड्डा साहब पूरे हरियाणा में विकास कार्य जो करवाए थे जनता आज उनको याद करने लग रही है, आगामी टाइम होगा जुड़ाना हल्के का भी और पूरे हरियाणा का भी विकास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही करवाएंगे, उनके बगैर हरियाणा का विकास कोई नहीं करवा सकता। जुलाना विधानसभा से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।